हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी इसको बोला जा सकता है। तो जीओसी में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक है यहाँ पर। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी आएंगे जो हमें सीखने होंगे, और इनसे हमें रिएक्शन बनानी होगी। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, तो उनको फॉलो करते टाइम हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ जो कंसेप्ट क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, टू अंडरस्टैंड क्लियरली द मैकेनिज्म ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन, इट इज दस एसेंशियल टू हैव द नॉलेज अबाउट द फॉलोइंग वेल एस्टेब्लिश कंसेप्ट। ठीक है, तो तीन कंसेप्ट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कराने के लिए काम आएंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहला तो ये है, दूसरा है क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोला गया है, तो जब भी हमारे पास कोई सब्सट्रेट दिया जाएगा, रिएक्टेंट टाइप का कोई दिया जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं होगा। उसी डिस्प्लेसमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सके, और वहां पर कहीं ना कहीं हमारे कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उनका क्लीवेज मतलब उनका ब्रेकिंग किस टाइप का है वो भी बहुत समझना पड़ेगा। तीसरा है कि अगर उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट काम कर रहा है, तो उस अटैकिंग रिएजेंट का नेचर किस टाइप का है वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो इन तीनों कंसेप्ट को मैं एक एक करके यहाँ पर डेवलप करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई सब्सट्रेट दिया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए वहां पर कौन कौन से फैक्टर जो होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को जनरेट करते होंगे, तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप एक बार रीड कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड मे अकर्स आइदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एटम और ग्रुप इन द मॉलिक्यूल और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा कोवलेंट बॉन्ड का, वो कहां से जनरेट होगा, उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कुछ ऐसे एटम भी होंगे जो कोवलेंट बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहे होंगे, या ग्रुप भी हो सकते हैं वहां पर उस सबस्ट्रेट में या रिएक्टेंट में, या उस रिएक्टेंट पर उस सबस्ट्रेट पर रिएक्टेंट का इफेक्ट भी लग सकता है, जिससे कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर यहाँ पर रहेंगे, और जैसे ही हमारे पास इनका अटैकिंग रिएजेंट का इन्फ्लुएंस होगा, या एटम का इन्फ्लुएंस होगा, या ग्रुप का इन्फ्लुएंस होगा, तो उसमें क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर क्रिएटेड। ठीक है, एंड दीज सेंटर ससेप्टिबल टू अटैक बाय द रिएजेंट। तो जैसे ही हमारे पास इनका इफेक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पर जनरेट होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएटेड, जैसे कि वहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा होती जाएगी। ठीक है, कहीं पर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, और कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस टाइप से हमारा अटैक करने का पार्ट आ सकता है वहां पर। ठीक है, द फैक्टर विच क्रिएट द सेंटर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट आर मेनली। अब ये डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते टाइम, तो ये कौन कौन से फैक्टर के द्वारा आ रही होगी, तो उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से आ रही होगी, ठीक है, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से आ रही होगी, हो सकता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट से आ रही होगी, या हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड बन रहा होगा, या सेंटर्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो मेन इफेक्ट है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग एक एक करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कैसे आकर ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही है, सेंटर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है, वो एक एक करके मैं यहाँ पर इनसे डेवलप कर रहा हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके, सो आइए अब इंडक्टिव इफेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट या पोलर नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, मतलब पोलर नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वहां पर हमेशा रहेगा। ठीक है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में ही हमारा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा।
जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट को समझना है तो मैं पहले इसको डिफाइन कर लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शेयर्ड पेयर वाले होंगे अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन द कार्बन चेन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका। ठीक है, तो कार्बन चेन के अकॉर्डिंग कैसे दिखाई देगा, तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लू उस टाइप से, ये कार्बन की एक चेन है, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया एक्स। ठीक है, अब मैंने एक दूसरी कार्बन चेन ले ली, एक दो तीन चार, और एक ग्रुप लगा दिया वाई। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया एक्स जो है यहां पर एक्स इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, ये बोल दिया, और यहां पर मैंने बोल दिया Y इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जैसे कि बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, तो उसमें कैसे करना है, तो ये क्या है विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका नेचर इलेक्ट्रॉन को खींचना है। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर्ड पेयर वाले होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहां की ओर ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो एक्स की ओर ट्रांसफर होगी। क्यों, क्योंकि एक्स का नेचर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे कि इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है, तो यहां से भी ये जो पाई अपने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो यहां से भी क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकलेगी, पार्शली डेल्टा नेगेटिव ले लेगा, और ये पार्शली क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। इस टाइप से ये इफेक्ट हमारा कार्बन की ओर बढ़ता जाएगा। अब जैसे कि ये कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, इस टाइप से है कार्बन नंबर फोर, तो एक्स कार्बन नंबर फोर से काफी दूर हो जाएगा, तो एक्स का इस कार्बन पर इंड्यूस इफेक्ट बहुत लेस हो जाता है। ठीक है, नेग्लिजिबल माना जाता है। थर्ड कार्बन के बियॉन्ड जितना भी कार्बन अपना आएगा वहां से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करना बंद कर देता है। ठीक है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो अब ये इस टाइप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से कार्बन वाले पार्ट पर हमारे चार्ज डेवलप होते जा रहे हैं। अब मैं वाई की नेचर देख लेता हूं, तो वाई क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो डोनेट करेगा तो क्या करेगा, आगे की ओर इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो जैसे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये यहां पर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको आगे की ओर धकेलेगा, किसके नेचर की होने की वजह से, वाई के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से। तो अब मैं देखता हूं कार्बन नंबर टू से, कार्बन नंबर टू से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा था, यहां पर जाएगा तो यहां पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, और वाई पर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आगे की ओर जाएगा तो ये वाले इसको इंड्यूस कर दिया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर जाएगा, तो यहाँ पर पार्शली क्या होगा, डबल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ऐसे जो वाई है इस कार्बन को भी इंड्यूस कर सकता है, तो और चार्ज डेवलप होता जाएगा। तो कार्बन पार्ट पर हमारे पास देखें, ऊपर की साइड अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर पहले पार्शली पॉजिटिव चार्ज था, बाद में क्या आ रहा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, डबल नेगेटिव। यहाँ पर पहले क्या था, पार्शली नेगेटिव चार्ज, बाद में क्या आ रहा, पार्शली डबल पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका कम है, यहाँ पर इसका ज्यादा है, इसका कम है। ये हैवी है इसके ऊपर कौन सा, पार्शली डबल नेगेटिव चार्ज। जब भी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर है तो क्या होगा, पार्शली डबल नेगेटिव हैवी होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यहाँ पर पार्शली डबल पॉजिटिव हैवी होगा, इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ। तो इस टाइप से इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को दो टाइप में बांटा गया है, तो टाइप्स यहाँ पर लिख सकता हूं मैं। तो पहला टाइप हो जाएगा पॉजिटिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो प्लस आई से शो किया जाता है। और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव मतलब माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक हो जाएगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि यहां पर पार्शली डबल नेगेटिव हैवी है किसके ऊपर, सिंगल पॉजिटिव के साथ। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो वहां पर क्या होता जाएगा, हमारा माइनस आई इफेक्ट होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, डबल नेगेटिव हैवी है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर डबल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है किसके ऊपर, एक नेगेटिव के ऊपर, कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहाँ पर जाओगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। तो इस टाइप से मैं टाइप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
जब भी हमारे पास कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो कहीं ना कहीं माइनस आई इफेक्ट वहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो कहीं ना कहीं प्लस आई इफेक्ट वहां पर होगा। ठीक है, सो अब मैं इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज द पहला पॉइंट है ए परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब एक बार ऑपरेट हुआ तो ये परमानेंट हो जाएगा, उसके बाद इसको वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब एक बार चार्ज डेवलप हुआ तो चार्ज डेवलप हो जाएगा और चार्ज यूटिलाइज नहीं कर सकते हम लोग। जैसे कि दूसरा पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल को लीव नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने कार्बन चेन ली थी तो वहां पर एक सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड को मैंने कभी नहीं ब्रेक किया। वहां पर चार्ज मैंने डेवलप किया है पार्शली नेगेटिव चार्ज, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन्फ्लुएंस एक्स और वाई के होते हुए देखा था, कभी मैंने बॉन्ड वहां पर ब्रेक नहीं किया है। इस बात का ध्यान रखा है, कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसे रहेगा। तीसरा पॉइंट है ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये ऑपरेट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में लोग सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी इसमें ऑपरेट कराएंगे। तीसरा पॉइंट होने के बाद मैं अगले पॉइंट पर जाता हूं, तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन। तो जैसे कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप लगा था, मैंने कार्बन चेन ली थी इस टाइप से, ठीक है, यहां पर एक ग्रुप लगाया था, इसके ग्रुप के लगाने के बाद ये मैंने फिर इसका इंड्यूस इफेक्ट इस कार्बन पर लगाया, फिर इस कार्बन पर लगाया, फिर इस कार्बन पर लगाया, फिर इस टाइप से इंड्यूस इफेक्ट बढ़ता गया। मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में इफेक्ट चलता जाता है, ऐसा नहीं होगा कि इसका जो इफेक्ट है डायरेक्टली इस कार्बन पर लगता जाए, ये एक सिंगल डायरेक्शन में चलता जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करूं तो क्या होगा, इट इज जनरली ऑब्जर्व इन सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेट मतलब सिंगल बॉन्ड जहां पर ज्यादातर होगा वहां पर ये इफेक्ट हमें दिखाई देगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। अगला पॉइंट है इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता जाएगा डिस्टेंस के साथ। अगर मैं देखूंगा यहां पर इसका इफेक्ट काफी ज्यादा लगेगा, इस एक्स का इस कार्बन पर थोड़ा कम हो जाएगा, इस एक्स का इस कार्बन पर और कम हो जाएगा, इस एक्स का इस कार्बन तो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया थर्ड कार्बन के बियॉन्ड जितना भी अपना इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में रखे जाते हैं, इनको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब मैं इसके टाइप की ओर आगे बढ़ता हूं, जो मैंने टाइप बताया था प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ओके, सो आइए अब माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप कौन होंगे, नाउ ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज माइनस आई ग्रुप एंड इट्स इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, विड्रॉ करने की टेंडेंसी वाले जितने भी ग्रुप होंगे वो माइनस आई ग्रुप कहलाएंगे और इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट कहा जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर ऑर्डर अरेंज किया हुआ है ग्रुप का, ये थोड़ा सा आइडिया लगाते हुए मैं दिमाग के अंदर रखना है इसको। ठीक है, NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2 नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड CN, सल्फोनिक एसिड SO3H, CHO, एल्डिहाइड कीटोन फिर एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एसिड है ना कि एसिड वाला पहले है, तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड इस टाइप से, फिर एसिड हैलाइड है, फिर एस्टर है, अमाइड है, फिर हेलोजन फैमिली वाले पार्ट है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एल्कोहल, एल्कोहल के बाद ईथर, अमीन, एल्काइन, फिनाइल, एल्कीन, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, अब मैं जैसे कि मेरे आइडिया थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखें कौन किसके पहले आएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट पहले NF3, NH3 और NO2, NF3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव और NO2। अगर मैं इसकी बात करता हूँ NF3 की, तो NF3 को ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, तीन फ्लोरीन यहाँ पर लगे हुए हैं, तीन फ्लोरीन यहाँ पर है, फ्लोरीन क्या करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो ये जो नाइट्रोजन वाला सेंटर है, एक तो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए है, इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, और फ्लोरीन की वजह से यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस नाइट्रोजन को क्या चाहिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अपडेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपना जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की भूख है। तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और नाइट्रोजन पॉजिटिव वाला पार्ट। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रुप में नाइट्रोजन वाला जो सेंटर है आप बोलेंगे, ओवरऑल ग्रुप में एन पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की भूख इसको बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा,
सेम केस NH3 में देखें, यहां पर एच एच ये एच ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्लोरीन जैसा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर नहीं होती है, ये क्या करेगा यहां से कम तरीके से नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन पहुंचा पाएगा, फिर भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब उसके चार्ज जो भूख है इलेक्ट्रॉन की वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा ओवरऑल, इसलिए बोलते हैं NH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो N पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचने की टेंडेंसी बहुत फास्ट होगी, लेकिन NH3 से कंपेयर करेंगे तो कम हो जाएगी, क्यों, इनके नेचर की वजह से। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है, ऐसे थोड़ा आइडिया लगाते हुए हम लोग दिमाग के अंदर माइनस आई ग्रुप को रखेंगे। ओके, सो अब प्लस आई इफेक्ट को भी हम लोग समझ सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं प्लस आई इफेक्ट कैसे ऑपरेट होगा और कौन से इसके एग्जांपल होंगे। तो जैसे कि प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई ग्रुप, द ग्रुप विच डोनेट और गिव्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्लस आई ग्रुप एंड इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। इतना क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट जो होंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ये ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से मैं यहाँ की ओर जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की ओर, इधर से ये यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर लिखा गया है प्लस आई इफेक्ट का। तो NH नेगेटिव, O नेगेटिव, COO नेगेटिव, टर्शियरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, ठीक है, 1° अल्काइल, CH3, ड्यूटेरियम फॉर हाइड्रोजन सबसे लीस्ट है, ठीक है, NH नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो काफी ये डोनेटिंग पावर शो करेगी, ठीक है, मतलब यहाँ पर काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। उसके बाद O नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, COO इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, पर जितने भी अपने पास हैवी अल्काइल ग्रुप होते हैं उन पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, हैवी अल्काइल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा कार्बन इसके पास है, तो 3° अल्काइल, ठीक है, तो 3° अल्काइल कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये कार्बन 3 CH3 ग्रुप से इस तरह से लगा होगा, ठीक है, ये 3° अल्काइल ग्रुप कहलाता है इस तरह से, तो ये 3° अल्काइल ग्रुप है। अगर मैं 2° बनाऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, तो ये 2° अल्काइल है, ये 3° ये 2° 1° बनाना है तो क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये 1° अल्काइल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, ये 1° अल्काइल ग्रुप है। तो जैसे जैसे हमारे पास कार्बन वाला पार्ट अगर बढ़ता जाएगा तो प्लस आई इफेक्ट उसका हैवी होता जाएगा, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल CH3 है, उसके बाद ड्यूटेरियम फॉर हाइड्रोजन, जैसे कि बोला गया हाइड्रोजन सबसे लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। तो इस सारे एग्जांपल को हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हुए दिमाग के अंदर रख सकते हैं। ओके, सो आइए अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन मैंने लिया है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का इस पर क्या एप्लीकेशन बन सकता है, तो आइए देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जैसे कि मेरे पास इन जनरल जो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिया RCOOH, ठीक है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग डिजोल्व कराएंगे, तो डिजोल्व कराने के बाद इस पर जो आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी, तो इस तरह से हमारे पास आयन बनेंगे RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये हमारे पास आयन डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा मेरे पास H पॉजिटिव जनरेट होगा मैं बोल सकता हूँ ये एसिड का जो पार्ट होगा वो ज्यादा अच्छा खासा बनता जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगी, अच्छी खासी होगी, मतलब जितनी ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगी उतनी अच्छी खासी होती जाएगी। तो मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फैक्टर में लिखूं Ka एसिड के लिए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा RCOO नेगेटिव, ठीक है, और H पॉजिटिव, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अपने पास RCOOH, ठीक है, मतलब एसिड एनायन का जो पार्ट होगा जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उससे Ka वैल्यू क्या होगी ज्यादा से ज्यादा होगी, और जैसे ही हमारे पास Ka वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, किसी भी एसिड की, तो मैं बोल सकता हूँ वो एसिड क्या होगा अच्छा खासा स्ट्रेंथ रखेगा, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या बढ़ेगी, यहाँ पर मतलब क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है Ka वैल्यू, जो भी Ka वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka, ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, Pka इक्वल टू कितना होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जितना ज्यादा Ka उतना कम Pka, ऐसे बोल सकता हूँ, तो Ka और Pka क्या होगा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है,
और के ए ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगी, ज्यादा। और एसिड में मैं लिख सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड रिएक्शन के हिसाब से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है, डायरेक्टली वो शॉन्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायन, क्या वो लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायन, ये भी लिख सकता हूं। तो जितना ज्यादा एसिड एनायन की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाला पार्ट बोल सकता हूं। तो अब मैंने बोला है एसिड एनायन वाला पार्ट, तो आर सी डबल ओ नेगेटिव मैंने लिया है, तो मैं आपको लिख देता हूं आर ए सी डबल ओ यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आर कंटेनिंग पार्ट है सिंगल बॉन्डेड, ये कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का पार्ट ऑपरेट करेगा। तो आइए देखते हैं आर सी डबल ओ नेगेटिव एसिड एनायन में अब ये इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से अप्लाई हो सकता है। ओके, सो आइए अब एसिडिक स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से हमारा आर सी डबल ओ एच में आर का इफेक्ट किस तरह से पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को मैं आपको ले रहा हूं, द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिटी कैन बी समराइज एज फॉलो, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एसिड मैंने लिया हुआ था आर ये सी डबल ओ एच, इसको मैंने एक्वा सोल्यूशन बढ़ा तो बन गया आर सी डबल ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर था। तो जैसे कि मैंने इसको अभी अभी बताया हुआ है कि के ए वैल्यू जब भी मैं लिखता था कि तो के ए कैसे लिखता था मैं, आर सी डबल ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव और मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आर सी डबल ओ एच। तो जैसे कि मेरा के ए बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायन ज्यादा होना चाहिए ये वाला पार्ट। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायन, तो मैं बोल सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायन, ये मैंने बोला है। और स्टेबिलिटी अच्छी खासी अगर इस एसिड एनायन की होगी तब भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड काफी हाई होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, ठीक है, एसिड एनायन कौन है, आर सी डबल ओ नेगेटिव, ये एसिड एनायन है, ठीक है। अगर एसिड एनायन स्टेबल नहीं है, कुछ कम है, तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन कम बनेगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा, कम हो जाएगा, इस तरह से बोल सकता हूं। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, अगर ये स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी, मतलब एसिडिटी अच्छी खासी होगी। तो देख लेते हैं, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है ये आर ये सी डबल ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव बना है, तो अगर मैंने आर सेक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप का ले लिया, ठीक है, आर सेक्शन जो है वो मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का ले लिया, इस टाइप का मैंने आर का पार्ट सिलेक्ट कर लिया, तो आप ऐसे डनाइन यही वाला है, इसकी स्टेबिलिटी मुझे चेक करनी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ की ओर खींचेगा, अपनी ओर, तो ये इस ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ये क्या होती जाएगी, स्टेबिलाईज होती जाएगी, ठीक है, मतलब ये कहाँ की ओर घूमेगी, आगे की ओर घूमेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ओर जाएगी, जिससे कि ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन क्या होगी, अच्छी खासी होगी। जब स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन अच्छी होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगी, अच्छी खासी, बदला मैं बोल सकता हूँ एसिडिटी क्या होगी यहां पर, इंक्रीज करेगी। तो अब कंक्लूजन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पर होता है, माइनस आई इफेक्ट पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें मिलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा एसिडिटी क्या होगी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। इस पार्ट से मैंने कंक्लूड कर दिया। अब मैं अगर आर सेक्शन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दू, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर को मान लू, ठीक है, तो अब क्या होगा, एसिड एनायन की स्टेबिलिटी किस टाइप से होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन की ओर भागेंगे, तो ऑक्सीजन की ओर जाएंगे और ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी जो ऑक्सीजन के ऑक्टेट को अनस्टेबल कर देगी। तो अनस्टेबल मतलब अनस्टेबल क्या होता गया, एसिड एनायन होता गया। तो जब अनस्टेबल एसिड एनायन होता जाएगा तो वही एसिड एनायन की स्टेबिलिटी अच्छी खासी नहीं होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन क्या होगी, डिक्रीज। जब स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन डिक्रीज तो एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी यहां पर डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है।
डायरेक्टली पोर्शन टू है, तो अब मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आई, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ से आता है, प्लस आई इफेक्ट से। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड आयन क्या होगी कम होगी। तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हैवी, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ एसिडिटी क्या होगी इसकी, एसिडिटी यहाँ पर डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ कि एसिडिटी एसिडिटी डायरेक्टली पोर्शनल टू ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, और इनवर्सली पोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे कंक्लूड होके इस तरह से हमारे आते हैं। तो इसका ये सही रीजन इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो आई अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई करें। तो जैसे कि मैंने होमोलोगस एलिफेटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है, तो कैसे बनेंगे होमोलोगस एसिड, तो मैंने ए बोल दिया, यहाँ पर सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू 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 और सी डबल ओ एच, ये मैंने बोल दिया। बी मैंने यहाँ पर ले लिया सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू यहाँ पर सी एच टू यहाँ पर सी एच टू और ये सी डबल ओ एच। सी वाला सेक्शन मैंने ले लिया सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू योर सी डबल ओ एच। अब मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किसकी अच्छी खासी है। तो जैसे कि हमारा कंसेप्ट अभी क्लियर हो चुका है कि हमारे पास एसिड एनायन जितना अच्छा खासा स्टेबल, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी अपनी क्या होगी एसिड एनायन की होगी, और उसी से ही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का ऑर्डर निकलेगा। आइए चेक कर लेते हैं। अगर ए में मैं चेक करूं एसिड एनायन में, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन का एल्काइल पार्ट लगा है, तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू यहाँ पर सी एच टू और एक सी एच टू और है, और ये सी डबल ओ नेगेटिव पार्ट इस तरह से होगा और एच पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये मेरे पास एल्काइल पार्ट है, और एल्काइल पार्ट से हम लोग जानते हैं एल्काइल पार्ट अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, मतलब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह ये बनेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाएंगे, तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, डिस्टेबलाइज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा खासा जो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कहां से मिलेगा, तो जितनी कम ये एल्काइल पार्ट होगी, जितनी कम, क्योंकि स्टेबिलिटी यहां से कम हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम स्टेबिलिटी वाला पार्ट देखेंगे, जिसकी कम से कम स्टेबिलिटी रह पाएगी वो ज्यादा अपना क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर देखेंगे सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू, पांच कार्बन लगे हैं, यहाँ पर एक दो तीन चार लगे हैं, यहाँ पर एक दो तीन लगे हैं, तो तीन कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा ऑक्सीजन पर कम पहुंचेगा, तो कम क्या होगा वो अनस्टेबल हो पाएगा, तो कम अनस्टेबल तो ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि अनस्टेबिलिटी तीनों सेक्शन में मिल रही है, तो सबसे कम अनस्टेबिलिटी चेक कर लिए, तो सबसे कम अनस्टेबिलिटी इसमें हो पाएगी। ठीक है, मतलब ज्यादा ये स्टेबिलिटी की ओर रहेगा। ठीक है, कम अपना कहां की ओर रहेगा, अनस्टेबिलिटी की ओर रहेगा। तो जितने ज्यादा एल्काइल पार्ट एसिड एनायन पार्ट से लगे होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा अपनी क्या होगी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, तो आइए ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देख लें, यहां से इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, प्लस आई यहाँ पर क्या होगा बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन है और सबसे कम कार्बन सी में है, तो सी की स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा, और उसके बाद क्या आएगी बी की, और उसके बाद क्या हो जाएगी ए की, ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ एसिडिटी का ऑर्डर क्या है अपने पास, सी की ज्यादा फिर बी की फिर ए की बनेगी। ओके, सो आइए अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो मैंने एग्जाम्पल इस टाइप से अगर लिया है, ठीक है, मेरे पास कोई एग्जाम्पल सेट हुआ है, तो ए ऑर्डरिंग मॉलिक्यूल मैंने कुछ इस टाइप से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ए मेरे पास दिया है सी एल यहाँ पर सी एच टू, ठीक है, यहाँ पर सी डबल ओ एच। बी ऑर्डरिंग मॉलिक्यूल मैंने दे दिया है यहाँ पर सी एल टू यहाँ पर सी एच सी डबल ओ एच, और सी मैंने दे दिया यहाँ पर सी सी एल थ्री, ठीक है, सी सी एल थ्री और सी डबल ओ एच, ये तीन मेरे पास ऑर्डरिंग मॉलिक्यूल इस तरह से हैं। ठीक है, तो मुझे चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, तो मैं क्या करूंगा एसिड एनायन की स्टेबिलिटी चेक करूंगा।
ऐसे में नाइन पहले पार्ट से क्या बनेगा, सी एल यहाँ पर सी एच टू और ये सी डबल ओ नेगेटिव, ठीक है, और एच पॉजिटिव। तो मुझे इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, नेगेटिव आई इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट से। तो क्लोरीन का क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लेगा, जिससे कि इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो एक क्लोरीन से स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पर दो क्लोरीन लग गए, यहाँ पर सी एक एच है और दो क्लोरीन यहाँ पर लगे हुए हैं इस टाइप से, ठीक है। तो वन टू थ्री और ये फोर, तो सी डबल ओ नेगेटिव और ये एच पॉजिटिव, ये बन जाएगा अपने पास। तो दो क्लोरीन का यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, काफी स्टेबलाइज। और लास्ट में क्या है अपने पास, तीन क्लोरीन लगे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी, यहाँ पर एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, और सी डबल ओ नेगेटिव और एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन, तो तीन क्लोरीन का क्या है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। तो तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप के लगे हैं, जिससे कि इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को काफी स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है, जिससे कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एसिड एनायन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन बढ़ेगी, एसिड एक्सचेंज क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट काफी ज्यादा हो गया। तो मेरा ऑर्डर किस टाइप का हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट सी में रहेगा, फिर उसके बाद बी में रहेगा, फिर उसके बाद ए में रहेगा। ये किसका ऑर्डर है अपने पास, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर बन जाएगा, या एसिडिटी का ये ऑर्डर बन जाएगा, ओके। तो आइए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला एप्लीकेशन लिया गया है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल की एसिडिटी आखिर हमारी इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे वेरी होगी, तो देख लेते हैं। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, और एल्कोक्साइड आयन कहलाता है कंजुगेट बेस ऑफ एल्कोहल, विच इज ऑब्टेंड बाय डिसोसिएशन ऑफ एल्कोहल। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर अगर एल्कोहल का डिसोसिएशन करता हूं, तो मेरे पास एल्कोहल है R, ये O और ये H, ठीक है, डिसोसिएशन करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे, तो बनेगा एल्कोक्साइड आयन आर ओ नेगेटिव, और प्लस क्या होगा, एच पॉजिटिव, ठीक है। तो एल्कोहल इस टाइप से डिसोसिएट होते हैं, ये कहलाता है एल्कोक्साइड आयन या कंजुगेट बेस ऑफ एल्कोहल, ठीक है। इसमें देखिए R ग्रुप आ चुका है, तो अगर ये एल्कोक्साइड आयन स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा, अच्छा खासा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एसिडिटी, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो एल्कोक्साइड आयन स्टेबिलिटी, ठीक है, इस टाइप से मैंने लिख दिया एल्कोक्साइड आयन स्टेबिलिटी, जितनी अच्छी खासी होगी एसिडिटी बढ़ेगी। तो अगर मैं यहां पर देख लेता हूं कि एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, तो वही अगर R अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो मैं पता कर सकता हूं कि कौन सा एल्कोक्साइड अच्छा खासा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। और एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट डिक्रीज ऑल्सो, डिस्टेंस प्रेफर ऑन पावर। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसके लिए, तो जैसे कि मैंने लिया है सी एस टू, यहाँ पर सी एल लिया और यहाँ पर ओ एच कर दिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया। दूसरा यहाँ पर मैंने लिया सी एस टू, यहाँ पर एनओ टू लगाया और फिर यहाँ पर सी एस टू, फिर ओ एच लिया मैंने इस टाइप से, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं एल्कोक्साइड आयन किसका अच्छा खासा स्टेबल होगा, तो जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी अच्छी खासी, उसमें क्या होगा, एल्कोक्साइड आयन अच्छा खासा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की ओर जाने लगेगा, स्टेबलाइज होने लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑक्सीजन के ऊपर चली गई तो एल्कोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल देता हूं यहाँ पर, अगर मेरे पास ये R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप का हुआ, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन में, ठीक है, होगा R, ये मान मान लिया इस टाइप से, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और ये किससे जुड़ा होगा अपने पास, O से जुड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा, ये डेंसिटी खींची चली जाएगी, तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, स्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ पर, और स्टेबलाइज जैसे ही हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिटी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा, आर को मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल दूं, अब ये नेगेटिव चार्ज पर है, तो
अब नेगेटिव चार्ज जैसे ही था ऑक्सीजन पर और नेगेटिव डेंसिटी आने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर और जमा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो एसिडिटी क्या होगी यहाँ पर, एसिडिटी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो वही विड्रॉइंग पावर और डोनेटिंग पावर हमें चेक करनी है। विड्रॉइंग पावर से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और डोनेटिंग पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, वही हम कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब ये इफेक्ट मैं कैसे बोल रहा हूँ डिस्टेंस का, तो यहाँ पर देखें मेरे हिसाब से जो पावर है NO2 की विड्रॉइंग पावर अच्छी खासी होती है। ठीक है, मतलब NO2 का जो है माइनस आई ज्यादा है किससे, Cl से। ये देखा है माइनस आई का ऑर्डर है, माइनस आई का ऑर्डर है, जैसे कि मैंने अपना माइनस आई में ग्रुप लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये वाला ज्यादा होता है, ये ए बोल दिया और इसको मैंने वो बोल दिया, तो ए का एसिडिक स्ट्रेंथ काफी है। क्यों, मैंने नोट लिखा, नेट नोट इसी पर ही है अपना। क्लोरीन क्या है, OH से पास की डिस्टेंस पर है। ठीक है, एक ही CH2 पर एक OH है, Cl है। यहाँ पर NO2 जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखूंगा OH से वो काफी दूर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ज्यादा प्रेफर करना है पावर से। अगर डिस्टेंस काफी दूर है और भले ही वो क्या है बहुत ज्यादा पावर रखता है माइनस आई का, लेकिन अगर काफी दूर है अपने जो इंटेंसिटी जहां से उसको मिल रही है उससे आप काफी दूर है, सोर्स से काफी दूर है, तो वहां पर हमें डिस्टेंस का इफेक्ट चेक करना है, डिस्टेंस कितनी क्या है। अगर कम डिस्टेंस पर रखा होगा तो उसकी पावर, मतलब उसका जो पावर होगा, जो कंसेप्ट होगा, जो यूज होगा, वो ज्यादा हमें लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं Cl भले ही माइनस आई कम ले रहा है, NO2 माइनस आई ज्यादा ले रहा है, लेकिन डिस्टेंस Cl की क्या है, पास में है सोर्स से। ये सोर्स है एल्कोक्साइड आयन, यहां से बनेगा, यहां से एल्कोक्साइड बनेगा, यहां से NO2 काफी दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है भले ही NO2 का माइनस आई ज्यादा है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस को देखते हुए ऑर्डर को अरेंज करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ए की ज्यादा होगी और बी की क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर है। तो ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कंसेप्ट, इनको आप दिमाग में डेवलप कीजिए, बिल्डअप कीजिए, और इनसे एक अच्छा सा क्वेश्चन हमारा जो बनेगा उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, सो आइए अब अगले एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला एप्लीकेशन यहाँ पर लिया गया है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अमीन्स की बेसिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। तो बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो बेसिसिटी कैसे बढ़ेगी, जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग किए जाएंगे तो बेसिसिटी उस मॉलिक्यूल की बढ़ेगी। तो आइए देख लेते हैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे चेक किया जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि नाइट्रोजन के पास, अगर मेरे पास लोन पेयर है, ठीक है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर रखे हुए है, अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड लगे होंगे, यहाँ पर एक मैंने बोल दिया ये एच है, ये एच है, NH2 है, और यहाँ पर आर पार्ट है, एल्काइल पार्ट है यहाँ पर। तो एल्काइल पार्ट किस टाइप का है वो मुझे चेक करना है। अगर एल्काइल पार्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप का होगा, ठीक है, अगर एल्काइल पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप का होगा तो नाइट्रोजन से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच देगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रह पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको खींच रहा है। तो ये किसी को डोनेट करने के लिए क्या है, लेस अवेलेबल है। ठीक है, तो लेस अवेलेबल होगी तो बेसिसिटी यहाँ पर क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हैवी टाइप का होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, यहाँ पर बेसिसिटी वहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और उल्टा बोले, अगर मैं बोल दूं यहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, EDC लगा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किससे, नाइट्रोजन के पास, अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ा देगा। तो ये जो लोन पेयर है किसी को डोनेट करने के लिए क्या है, हाई अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर ही किसी को डोनेट कर सकता है बहुत फास्ट रेट से। तो जो डोनेट करेगा तो जैसे कि डिफाइन किया हुआ है वो बेसिसिटी का जाएगी, हाई बेसिसिटी बनती जाएगी। तो बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हैवी है तो बेसिसिटी वहां पर क्या होगी, बेसिसिटी वहां पर काफी ज्यादा होगी। ठीक है, इस टाइप से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं कंक्लूजन निकाल देता हूँ कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या मिलता है, प्लस आई इफेक्ट।
प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो बेसिसिटी उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दो कंक्लूजन यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। तो इनके आधार पर ये मुझे क्या करना है, बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज करना है। ओके, सो ओवरऑल बेसिसिटी ऑफ अमीन में अगर मैं ऑर्डर बनाने जाऊं तो क्या बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ बेसिसिटी, यहाँ पर बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और अगर के ए और के बी के रिस्पेक्ट में बोले तो के बी अपना बेस के लिए डिफाइन होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ के बी वैल्यू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ क्या हो जाएगा, पी के बी वैल्यू। तो इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, सो आइए अमीन के केस में बेसिसिटी ऑफ अमीन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला मैं ग्रुप बना के दिखा देता हूँ, सी एस थ्री अगर मेरा एल्काइल पार्ट है, ठीक है, तो मैं प्राइमरी अमीन बनाने जा रहा हूँ। तो प्राइमरी अमीन कैसे हुआ, ये आर, ये एन एस टू हो जाएगा, ठीक है, ये प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन क्या होगा, यहाँ पर आर टू, ये एन एच हो जाएगा, ठीक है, आर टू एन एच हो जाएगा, दो आर और एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के एक आर ग्रुप लगा दिया, एक हो जाएगा आर थ्री, ये एन हो जाएगा, सारे हाइड्रोजन हटा के सारे अल्काइल पार्ट लगा दिए और अमोनिया के टेस्ट ले लिया एन एस थ्री का। इस टाइप से अब मैं अगर ऑर्डर बनाने के लिए बोलूँ कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, आर अगर मेरा सी एस थ्री हो जाए, ठीक है, तो अगर आर मेरा सी एस थ्री होगा तो क्या बनेगा, मतलब इस तरह से मैं बोल दूंगा ये सी एस थ्री एन एस टू हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा सी एस थ्री होल ट्वाइस एन एच हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा सी एस थ्री होल थ्राइस एन हो जाएगा, और लास्ट में एन एस थ्री ये रखा। इस तरह से इनका ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकेंड बोल दिया, इसको मैंने थर्ड बोल दिया, और इसको मैंने फोर्थ बोल दिया, इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे कि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा तो अपनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है, प्लस आई, तो सी एस सी कार्बन कंटेनिंग पार्ट जितने ज्यादा होंगे नाइट्रोजन के पास, वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लस आई शो करेंगे। तो देख लेते हैं प्लस आई किसका ज्यादा है। तो बेसिकली सी एस सी होल थ्राइस एन, तीन एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगे हैं, इसका मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप यहाँ पर पास में नाइट्रोजन के लगे हुए हैं, तो प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, तो लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन ऐसी बढ़ेगी। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं थोड़ी देर के लिए, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर अपने क्या है, लोन पेयर है इस टाइप से, और तीन सी एस सी इस टाइप से इसके अराउंड लगे हुए हैं, तीन सी एस सी ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही सी एस सी ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, इसका प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ये तीन सी एस थ्री ग्रुप नाइट्रोजन के राउंड इस नाइट्रोजन के लॉन्ग पेयर को क्या हुए, घेरे हुए हैं। जब घेरे रहेंगे तो ये लॉन्ग पेयर क्या होंगे, किसी को डोनेट करने के लिए लेस अवेलेबल होंगे, हाई अवेलेबल नहीं है, भले ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि तीन सी एस थ्री ग्रुप इस लॉन्ग पेयर को घेरे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं सी एस थ्री वाला पार्ट भी ओपन करके बनाऊंगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन की, हाइड्रोजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, कार्बन की, तो लॉन्ग पर वो पूरी तरह घिर जाएगा, ठीक है, तो निकल नहीं पाएगा किसी को डोनेट करने के लिए। तो इस केस में होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन नहीं हो पाता। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपना क्या हो जाएगा, दो एल्काइल वाला पार्ट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आर टू एन एच, ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, आर टू एन एच आ जाएगा। उसके बाद अपना आ जाएगा ये आर एन एच टू, आर एन एच टू आ जाएगा, फिर अपना आ जाएगा यहां पर आर थ्री एन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एन एस टू आ जाएगा, ठीक है, ये एन एस थ्री आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि अपना हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है, सभी के पास क्या है, लॉन्ग पेयर इस तरह से अवेलेबल है। तो मैं इस तरह से इसका ऑर्डर बना सकता हूँ, तो अपना ये सेक्शन बनेगा, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, आर मतलब सी एस थ्री, क्या बोल सकते हैं, होल ट्वाइस एन एच, उसके बाद सी एस थ्री एन एस टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी एस थ्री होल थ्राइस एन, और यहाँ पर एन एस सी बन जाएगा, ठीक है, एन एस सी, तो इसका ये सही ऑर्डर अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, स्टेरिक क्राउडनेस हो रही है, क्राउडिंग यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, क्राउडिंग हाई, यहाँ पर क्राउडिंग हाई, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जिसको बोलेंगे
जिसकी वजह से लंग पर बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, डोनेट करने के लिए। तो इस टाइप का ऑर्डर अपना सीएस3 के केस में बन जाएगा, इतना क्लियर होना चाहिए। ओके, सो आइए अब मैं C2H5 का केस ले लेता हूं कि किस टाइप से इसकी बेसिस बी का ऑर्डर अरेंज की जाएगी। तो C2H5 है तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर अप्लाई होगा, काफी हैवी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो R3 एंड सबसे लीस्ट बेसिसिटी अरेंज कर पाएगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पर 3 C2H5 से घिर जाएंगे। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है लेकिन स्टेरिक क्राउडनेस काफी हैवी है, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे लीस्ट बेसिक। तो यहाँ पर एक जगह से हमारी लोन पर के निकलने की टेंडेंसी होगी, तो R2NH लार्जेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ रखेगा। फिर अपना आ जाएगा RNH2, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट, फिर NH3 वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर अपना C2H5 के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब मैं बात करता हूं R अगर ये वाला ग्रुप होगा तो बेसिक स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर भी लगेगी, जिसकी वजह से हमारा R3N लास्ट में, ठीक है। उसके बाद मुझे चेक करना है कौन सा ग्रुप अरेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखता हूं R ग्रुप ये वाला टोटल है, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन के लॉन्ग पर को घेरे रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास R2NH ग्रुप रहेगा। इस तरह की हिंड्रेंस यहाँ पर अप्लाई हो रही है क्योंकि ये हैवी ग्रुप है अपने पास। इसके बाद यहाँ पर NH3 सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा RNH2, ठीक है। यहाँ पर क्राउडनेस बहुत कम है, कम तो इसमें है लेकिन यहाँ पर दो जगह से जो क्राउडनेस है वो लेस है, तो एक जगह से क्या लग पाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन दो जगह से लोन पर खुला हुआ है, डोनेट करेगा प्लस आई मिलता जाएगा इसके पास, ठीक है। अब मैं ऑर्डर करता हूं अगर R ये है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दें कि R3N तो लास्ट में है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, R2NH ये भी रहेगा अपने पास, ठीक है, R2NH। अब ये जो ग्रुप है अपने पास यहाँ पर R नाइट्रोजन से ये 3 CH3 पास में लगे हुए हैं, लॉन्ग पर को क्या करेंगे घेर रखेंगे, तो और नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन पास लगे हैं, किसका स्टेरिक क्राउडनेस ज्यादा होगा, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन से ये 3 ग्रुप का, इसका ज्यादा होगा। तो NH3 और इसमें कंपेयर करेंगे तो NH3 में लॉन्ग पर की निकलने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी और इसमें अपने निकलने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा RNH2 इस टाइप से हो जाएगा अपने पास, ठीक है। NH3, RNH2, R2NH और R3N, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों ऑर्डर मैंने बाद में जो बनाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने एक प्रॉपर ओपन करके स्ट्रक्चर बनाया था, आप देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इनको ध्यान रखें। ओके, सो आइए अब एप्लीकेशन के अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। अगला सेक्शन लिया गया है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ नॉन कंजुगेटेड कैटायन एंड एनायन। तो कंजुगेटेड मतलब क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आना, और नॉन कंजुगेटेड क्या होगा, उस स्पीसीज में अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के कैटायन और एनायन बनेंगे, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें बता करना है। तो रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिया गया है, लेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज, ठीक है। तो मतलब जितना लेस चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उस पर, तो स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। तो अब मैं बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ, ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहां पर मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज कौन सा होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वाला होगा। तो कोई भी स्पीसीज हो, चाहे वो पॉजिटिव स्पीसीज हो या नेगेटिव स्पीसीज हो, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, लेस, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छी खासी होगी। तो चार्ज और बात की, चार्ज की जो बात है तो वहां पर चार्ज जो होगा वो सेम एटम पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चार्ज अपना डिफरेंट डिफरेंट एटम पर प्रेजेंट है फिर उसमें ये रूल अप्लाई होगा, चार्ज हमेशा सेम एटम पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मेरे पास 3 स्पीसीज है और उस पर चार्ज कार्बन पर प्रेजेंट है तो तीनों ही पर कार्बन पर चार्ज प्रेजेंट होना नेसेसरी है, ठीक है। तो पहला रूल का ये नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम बेयरिंग द चार्ज शुड बी सेम, ठीक है, इन ऑल स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इन कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो जैसे कि मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये एच पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये पॉजिटिव या पर CH3 है, ठीक है। और तीसरा ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH पॉजिटिव ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से मैंने तीन अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिए इस टाइप से, जिस पर अपनी चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ इस कार्बन पर जो कैटायन है, यहाँ पर भी कार्बन है कैटायन है, यहाँ पर भी कार्बन है कैटायन है, मतलब चार्ज का पार्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है क्या? तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, बाय फॉर्मूले से सभी को आता है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कार्बन पर, यहाँ पर भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में तो कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कंपेयर नहीं कर सकता, और इसमें कंपेयर नहीं कर सकता, मतलब इसमें रूल नंबर फर्स्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड दो रूल के हिसाब से चलेंगे, फर्स्ट और सेकंड रूल के हिसाब से चलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड ये दोनों जो होंगे वो रूल के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें रूल नंबर फर्स्ट को अप्लाई करना है, ओके। तो आइए अगले रूल की ओर आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर टू। तो रूल नंबर टू में क्या बोला गया, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इन कैटायन, और नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इन एनायन, ठीक है। अगर ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी, और ये जो रूल है, दिस रूल कैन बी यूज्ड इन दोज केसेस वेयर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स बेयरिंग चार्ज इज डिफरेंट, ठीक है। ये रूल वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा जिस पर हमारा चार्ज होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज अच्छा होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। और रूल के हिसाब से बोला गया है कि हाइब्रिडाइजेशन जिस पर डिफरेंट होगा तो वहां पर भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा, आप इसको भी थोड़ा सा याद रखें, ओके। तो आइए अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने के लिए मैंने पहले ही पार्ट में बोला है स्टेबिलिटी का है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये दिया गया है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं तो मैंने एग्जाम्पल सेट कर लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। ये अपने पास क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, यहाँ पर दो कार्बन से अटैच है ये कैटायन तो 2 डिग्री, ये कैटायन 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री कार्बो कैटायन कहलाएगा, ठीक है। अब HCSC का पावर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, यहाँ पर 1 CH3, यहाँ पर 2 CH3, यहाँ पर 3 CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या होता है प्लस साइड ग्रुप के प्रोपोर्शन में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, जितना अच्छा खासा होगा मतलब उसमें क्या होगा प्लस आई इफेक्ट अच्छा खासा लगेगा, ठीक है। अब जितना अच्छा खासा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा, डोनेटिंग पावर पहुंचेगी, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेस होता जाएगा, ठीक है। तो लेस मैग्नीट्यूड स्टेबिलिटी ज्यादा, क्लियर हो गया होगा। तो आप बोल सकते हैं स्टेबिलिटी किसकी अच्छी खासी होगी, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या होगा 1 डिग्री, तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और एक बात और समझ में आई कि अगर मैग्नीट्यूड लेस है तो स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा, और मैग्नीट्यूड लेस कैसे हो रहा है प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करना है हमें यहां पर देखना है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के हो जाएगा या प्लस आई ग्रुप के हो जाएगा। तो प्लस आई अगर ज्यादा लगेगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा लेस हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड लेस तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये ऑर्डर मैंने इसी टाइप से समझाया हुआ है, ओके। सो आइए अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन कैसे बनेगी, तो जैसे कि अभी अभी मैंने बोला था कि स्टेबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है, तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोनाइन बोला गया है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू इसको लूँ तो क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है,
और यहाँ पर देखेंगे तो सी एच थ्री सी एच, यहाँ पर सी एच थ्री ये नेगेटिव चार्ज, और सी एच थ्री यहाँ पर सी, और सी एच थ्री और नीचे एक सी एच थ्री और लगा दिया और इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन वाला पार्ट वो 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, और ये 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन आयन हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज हमें देखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही लेस होती जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर देखते हैं तो सी एस सी का जो पावर है वो क्या होता है, डोनेटिंग पावर। तो डोनेटिंग पावर इधर, डोनेटिंग पावर इधर, और डोनेटिंग पावर इधर है। ठीक है, मतलब 3 CH3 की डोनेटिंग पावर है। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था और इलेक्ट्रोडेंसी पहुंचेगी, इलेक्ट्रोडेंसी मतलब नेगेटिव चार्ज और पहुंचेगा, और नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। जब मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो ज्यादा मैग्नीट्यूड तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड होगा या स्टेबिलिटी होगा, तो मैग्नीट्यूड मैं देख रहा हूँ तो स्टेबिलिटी के लिए ये ग्रुप देख रहा हूँ मैं, तो एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा उससे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। जब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी। तो बोल सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सबसे ये ज्यादा मैग्नीट्यूड ले रहा है, जब ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे लेस। तो मैं क्या कर दूंगा, 3 डिग्री को लास्ट में लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा 2 डिग्री, फिर क्या लिखूंगा 1 डिग्री। तो इस तरह से मेरा ऑर्डर बन जाता है। एक कार्बो एनायन का ऑर्डर है, एल्काइल कार्बन आयन का ऑर्डर ये बनता है। ये क्लियर हो गया होगा। और स्टेबिलिटी और मैग्नीट्यूड में देख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ठीक है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस आई इफेक्ट बोल सकते हो। माइनस आई जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना लेस, और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज लेस तो स्टेबिलिटी ज्यादा, जैसे कि मैंने उसमें लिखा था। तो ऐसे भी लिख सकते हो उसको, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पर बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई से ही क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यहाँ पर बढ़ने वाली चीज तो यहाँ पर कम होने वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। इस तरह से हमारा ऑर्डर बन जाएगा एल्काइल कार्बोनाइन का। ओके, सो आइए अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल एंड विनाइल कार्बोकेटाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्काइल और विनाइल कार्बोकेटाइन किस तरह से बनेंगे, तो मैं यहाँ पर पहले इनको बना देता हूँ। तो एल्काइल कार्बोकेटाइन में ले लिया सी एस सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू और ये पॉजिटिव, और विनाइल कार्बोकेटाइन है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ये पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे कि मेरा पहले ही लेक्चर में यहाँ पर था कि यहाँ पर कैटाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है अपने पास sp2। ठीक है, और यहाँ पर इस कार्बन का जो कैटाइन है इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, ये sp2 है और ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। जैसे कि सभी जानते हैं जो ऑर्डर है किसका, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग पढ़ के आए हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ऑर्बिटाइल में sp ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद क्या होता है sp2, और फिर उसके बाद sp3। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, sp2 की, फिर sp3 की, इस टाइप से। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर sp है ये कार्बन, sp मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो मैं बोल देता हूँ सेकेंड, और इसको बोल देता हूँ फर्स्ट। तो सेकेंड कार्बन पर, ठीक है, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में जो कैटायन है उस पर कार्बन जो है, ठीक है, ये कैटायन वाला पार्ट है, ये क्या है मोर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, और फर्स्ट वाले में जो कैटायन है वो क्या है अपने पास, इससे लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, ये अपने पास है। तो रूल नंबर सेकंड मेरा था, आप देख सकते हैं पीछे जाके, रूल नंबर सेकंड में बोला था मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी बनाने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर देखना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर देखना है मुझे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर। तो जितना अच्छा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिव पर होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर अगर पॉजिटिव चार्ज अच्छा होगा
तो उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। यहाँ पर कार्बन होता है क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अच्छा होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज किसका होगा, जिसकी लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अच्छा होगा। तो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी यहां पर लिख सकते हैं, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, मोर स्टेबल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मोर स्टेबल क्या होगा उसका, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला पार्ट देखना पड़ेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा हो पाएगा दूसरे वे से जाके, ठीक है। तो यहाँ पर sp2 वाला पार्ट है जिस पर हमारा क्या होगा, लेस अपना क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट होगा वो, तो अपनी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी, फिर सेकंड की स्टेबिलिटी इस टाइप से हो जाएगी। तो ये ऑर्डर मेरा यहाँ पर आएगा, मतलब ये अच्छा खासा स्टेबल है, उसके बाद ये रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने इस टाइप से इस कंसेप्ट के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ओके। सो आइए अब डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल विनाइल एंड एसिटिलिक कार्बोनाइल का। तो जैसे कि मैंने प्रेजेंट किया है, एल्काइल ये बता कार्बोनाइल है, विनाइल कार्बोनाइल ये है, और एसिटिलिक कार्बोनाइल इस टाइप का दिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको मैंने बोल दिया है। अब मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेता हूँ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला जाएगा, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बोनाइल पर वो sp2 होगा, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर बनता है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा sp में है, फिर sp2 में है, और सबसे कम अपना sp3 का अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। मतलब ये जो कार्बन है sp3 है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग मैंने बोला था, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट, और नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है, अपना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज पर मतलब नेगेटिव चार्ज पर क्या होगा, स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा अपने पास रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी। ये जो कार्बन आयन है नेगेटिव चार्ज है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे अच्छा स्टेबल थर्ड, उसके बाद अपना सेकंड, और सबसे कम अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा होगी तो स्टेबल उसका क्या होगा, कार्बोनाइल हो जाएगा, ओके।